لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى ثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه. हज़रात गिरामी और दोस्तान, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान की आज 6 तारीख मुकम्मल हो चुकी है और 7वीं की शब है। लिहाजा 7वीं माह मुबारक रमज़ान की दुआ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की दुआ में कुछ बहुत ही ख़ास पहलू हैं। जिनमें अल्लाह के बारगाह में मासूम अलैहिस्सलाम का अपने लिए मदद के वास्ते दुआ करना, जाहिर सी बात है कि बग़ैर मासूम अलैहिस्सलाम की दुआ के ये मुमकिन नहीं था कि हम और आप उस रास्ते को अख्तियार कर सकें जो माबूद चाहता है। लदा मासूम अलैहिस्सलाम ने हमें वो तरीक़ा बता दिया कि जिस पर चल करके खुदा की मदद अगर हासिल हो जाए तो बंदा मुकर्रब बारगाह इलाही हो सकता है। इसके बाद रोज़े की जो किस्में की जा सकती हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएंगी। ज़्यादा तूलानी दुआ नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 जुमलों के ऊपर ये दुआ मुश्तमिल है। पहला जुमला है, मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी फीहि अला सियामी व क़ियामी। माबूद, इस दिन हमें अपने रोज़े और अपनी इबादत व क़याम व शब जिंदादारी के लिए अपनी तरफ से मदद फराहम करना। जाहिर सी बात है कि अगर अल्लाह की तरफ से बंदे के ऊपर मदद ना हो तो बंदा कोई भी अमल अंजाम नहीं दे सकता है। और यूं भी बंदा हर रोज़ अपनी नमाज़ों में ये कहता ही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी इबादत के साथ साथ बंदा अपने माबूद से तलब मदद भी करता है कि माबूद तुझसे ही मदद चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि इबादत परवरदिगार में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मुअस्सिर है तो वो खुद अल्लाह की मदद है, जिसकी बिना पर बंदा अल्लाह की बारगाह में उसकी इबादतें और रियाजतें अंजाम दे सकता है। और आज की इस दुआ का पहला फकरा भी है कि माबूद हमें जो है वो क्या आइन नीफी है, इस दिन में जो है वो अपनी मदद हम पर नाजिल फरमाना, किसके लिए, किस लिए, अला सियामी व क़ियामी, रोज़ा रखने के लिए और इबादतों के लिए। बेशक अगर अल्लाह की मदद न हो तो अजान सुबह से लेकर के अजान मगरिब तक ये तकरीबन 14 घंटा कुछ कम या ज़्यादा, ये 14 घंटे की भूख और प्यास इंसान से कब बर्दाश्त हो सकती थी अगर खुदा की मदद न होती।
ये खुदा की मदद ही तो है कि इंसान जो है वो इस गर्मी में भी इतने घंटों तक माह मुबारक रमजान के रोजे बआसानी रख ले रहा है और इबादतें भी अंजाम दे ले रहा है। यकीनन अगर अल्लाह की मदद न हासिल न होती तो बंदा ना रोजे रख सकता था ना इबादतें कर सकता था। बस शर्त यह है कि हम अल्लाह के ऊपर एतबार रखें को मदद करेगा, है ना। दूसरा फकरा, वजन्निबनी फीहे मिन हफवात ही व आसामे, अहम तरीन जुमला है। मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि माबूद इस रोज़ हमें बेहुदा बातों से और गुनाहों से भी महफूज रखना, इज्तनाब करने की तौफीक देना। जाहिर सी बात है कि इंसान जो है वो पूरे साल बेहुदा बातों में सर्फ कर दे, हालांकि वो भी मुनासिब नहीं है, लेकिन माह मुबारक रमज़ान में कम से कम क्या है, इन चीज़ों की एहतियात की जाए कि माह मुबारक रमज़ान में बेहुदा बातों में और बेहुदा कामों में आदमी अपना वक्त सर्फ ना करे और गुनाहों में मुलव्वस ना हो। अब रोज़े की जो है वो तीन किस्में हो सकती हैं, अब रोज़ा जो है वो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक रोज़ा रोज़े आम है यानी अमूमी रोज़ा है, दो रोज़ा रोज़े ख़ास होता है, और तीसरे रोज़ा रोज़े ख़ास उल ख़ास। ठीक है, रोज़े आम, रोज़े ख़ास और रोज़े ख़ास उल ख़ास। अब इन तीनों की जो है वो ज़रा ज़रा तशरीह कर दें अपने छोटे भाइयों के लिए जो ऑनलाइन है, जो इस वक्त हमारे मुखातब हैं और नौजवान हैं, वो भी सुन लें कि जो है वो आम रोज़ा क्या है। आम रोज़ा वो है कि जो बस यूं ही मसलन रोज़ा रख लिया जाए, जैसा कि आमतौर से रोज़ रखते भी हैं। ठीक है, वो रोज़े के जो इंसानी ज़िंदगी में असर नहीं पैदा कर सकते हैं, वो रोज़े कि जो इंसानी ज़िंदगी में असर नहीं डाल सकते, मुअसर नहीं हो सकते, वो रोज़ा रोज़े आम है। आदमी मसलन सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहे बस। ठीक है, ये रोज़ा रोज़े आम है, अल्लाह के लिए भी रोज़ा है, मगर क्या है बहुत मुअसर नहीं है, ये बस रोज़ा है। सुबह से लेकर मसलन जो है वो शाम तक अल्लाह के लिए वो क्या है, भूखा और प्यासा है, सब रोज़ा रह रहे हैं तो वो भी रह रहा है, सब जो है वो खाने से इज्तनाब कर रहा है वो भी खाने से इज्तनाब कर रहा है, सब जो है वो पानी से दूर है वो भी पानी से दूर है, सब जो है मसलन अपने घर में वो भी अपने घर में। तो ये रोज़ा रोज़े आम है, यानी ऐसा रोज़ा जो इंसानी ज़िंदगी मुअसर नहीं है, कारगर नहीं है, किसी तरीके कोई बेनिफिट नहीं दे सकता है, किसी तरीके कोई मदद इंसान की ज़िंदगी और सीरत और किरदार को सुधारने के लिए नहीं कर सकता है। दूसरा रोज़े ख़ास है, रोज़े ख़ास क्या है, वो है कि जो आदमी रोज़ा भी रखे हो और अल्लाह के लिए जिक्र और तस्बीह भी करता रहे, भूखा और प्यासा भी है प्लस जो है वो अल्लाह के लिए तस्बीह और जिक्र भी कर रहा है, इबादतें भी कर रहा है, तो ये रोज़ा ख़ास है, ये मुअसर है, ये इंसान की ज़िंदगी में क्या है, असर गुजार है ये रोज़ा, इसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, इसके किरदार को बदलने के लिए, इसकी सीरत को बदलने के लिए क्या है, मुअसर है, जिसमें भूख और प्यास के साथ साथ अल्लाह की इताअत और इबादत भी अंजाम दी जाए, उसकी रियाजत भी की जाए, उसका जिक्र किया जाए, उसकी तस्बीह की जाए, उसकी इबादत की जाए, ये रोज़ा क्या है, मुअसर है, किरदार को बदलने के लिए, सीरत को बदलने के लिए, हालात ज़िंदगी को बदलने के लिए, मुश्किलात को मसलन जो है वो ख़त्म करने के लिए, उकबा में और आखिरत में आसाइश भी मुमकिन है इससे। तो ये क्या है, रोज़ा रोज़े ख़ास है कि जो भूख और प्यास के साथ इताअत और इबादत महबूद भी हो, जिसमें जिक्र इलाही भी हो। अभी इस सिलसिले में और तस्करा करेंगे जिक्र के।
लिहाज से। फिर एक रोजा रोजा खासुल खास है, रोजा खासुल खास यानी जो सबसे खास है। इसमें क्या करना होता है? इसमें भूख और प्यास और जिक्र खुदाबंदी के साथ साथ हर सांस का आना और जाना भी अल्लाह के लिए क्या है? मौकूफ। ये जो सांस चाहे मसलन अंदर जाए और चाहे जो है सांस बाहर आए, ये सब के सब क्या है? यानी सारे उमूर, हत्ता जो है वो सांसों का आना जाना भी क्या है? खुदा के लिए हो, रजायत खुदा के लिए, अतात खुदा के लिए, खुशनूदी परवरदिगार के लिए। ये रोज़ा रोज़े खासुल खास है। ये रोज़ा कौन लोग रखते हैं? अभी जाहिर सी बात है कि तीन जो है वो रोज़ों के अकसाम हो गए हैं, अगर कैटेगरीज है तो जाहिर सी बात है कि रोज़ा रखने वालों की भी कैटेगरीज होंगी। आम रोज़ा जो है मसलन हम लोग रखते हैं सिर्फ भूख और प्यास, उलमा और सुलहा मसलन जो है वो रोज़ा रखते हैं कि जो खास है, जिक्र इलाही में भी मशगूल हैं भूख और प्यास के साथ साथ। खासुल खास रोज़े किन के हैं? उनके हैं कि जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम, जिनके रोज़े क्या है? उमूमियत के हद से बाहर हैं, जिनके रोज़े क्या है? ख़ास ही नहीं बल्कि खासुल खास हैं, जिनके रोज़े क्या हैं? सबसे ज़्यादा क्या हैं? बेहतर हैं। इनके रोज़े क्या हैं? सबसे बेहतर हैं। ये खासुल खास रोज़े हैं जहाँ हालत रोज़ा में जिक्र इलाही भी है, तस्बीह किरदगार भी है, और हर नफस, हर सांस, हर अमल और हर फेल, हर कौल, सब के सब अल्लाह के लिए, खुद भी क्या है? अल्लाह के लिए वक्फ है। ये खासुल खास रोज़ा है। जिसमें दुनियावी नेमतों की तरफ इंसान की रग़बत नहीं होती है, सिर्फ इलाही जो है वो क्या है? जमाल की तरफ रग़बत होती है। ये रोज़ा खासुल खास है जो मासूमीन अलैहिस्सलाम अंजाम देते हैं, जो आइम्मा ने रखे हैं, जो मौला अमीरुल मोमिनीन का रोज़ा है। ये खासुल खास रोज़े हैं इनके। अगला जुमला, तीसरा जुमला है, सेकंड लास्ट, वर्जुकनी फीहे ज़िक्रका बिदवा में, मेरे अल्लाह इसमें दायमी तौर पर, परमानेंटली मेरे माबूद अपने जिक्र की जो है वो क्या है? तौफीक देते रहना। तेरी तरफ से मुस्तकिल जो है वो क्या है? ये तौफीक हो कि हम तेरा जिक्र कर सकें, है ना, तेरा जिक्र कर सकें। जिक्र कौन सा? वो जिक्र के जो वाकई जिक्र कहे जाने के लायक है, वो जिक्र जो वाकई खुदा के लिए हो, ठीक है, वो जिक्र जो वाकई अल्लाह के लिए हो। वो जिक्र के लिए जो है वो मासूम अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं कि महबूब जो है वो हमें जिक्र की भी तौफीक देना, और दवा में जिक्र की जो चलता ही रहे, सिलसिला सिलसिला रुके नहीं। यानी दायमन खुदा की याद में रहना, दायमन जिक्र खुदा करना, दायमन तस्बीह करना, दायमन यानी मुस्तकिलन अल्लाह की जो है बारगाह में इताअत और इबादत करना, हर हाल में अल्लाह की तस्बीह करना, ये क्या है? जिक्र दायमी। महबूद हमें जब जिक्र दायमी की तौफीक इनायत फरमा, रिस्क करना हमारे लिए क्या? जिक्र दायमी, मुस्तकिल तौर पर जो है वो तेरे याद में रहें, तेरी तस्बीह करें। दिलचस्प बात सुन लीजिए, आखिरी गुफ्तगू है। रिवायत में है कि ये जितने हैवानात हैं, जितनी मखलूकात हैं, ये जितने हैवानों की आप आवाज़ें सुनते हैं, जितने हैवानों की आप बातें सुनते हैं, जितने हैवानों की जो है वो आप उनके चहचहाने की, उनके चिंगाड़ने की, उनके बोलने की, जो उनकी आवाज़ें हैं, तरह तरह के हैवानात हैं उनकी तरह तरह की आवाज़ें, जो कुछ भी आप सुनते हैं, रिवायतों में कि ये सब जो है वो अपनी जबान में अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं,
दिलचस्प बात सुनिए, ये सब कैसा क्या है, अपनी जबान में अपने अंदाज से अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं। ये बात रवायतों में मौजूद है, इसका तज़किरा जो है कुरान करीम में भी है, अहादीस कुदसिया में भी है कि दुनिया की हर मखलूक, हर हैवान अल्लाह की तस्बीह करता है। सिर्फ हैवान ही नहीं बल्कि जो है वो सारी मखलूक, पहाड़ हों, दरख्त हों, दरिया हों, पत्थर हों, ज़र्रात हों, है ना, जो कुछ भी है, सब के सब क्या है, दायमन अल्लाह की जो है वो तस्बीह में मशगूल है, मुस्तकिल तौर पर। ये जो है वो क्या है, अल्लाह के जिक्र में ही मसरूफ है सब के सब। अब जो मसलन रिवायत का दिलचस्प जुमला वो सुनिए, रिवायत में मजकूर है कि हैवान किसी शिकारी के जाल में उसी वक्त फंसता है, गौर से सुने नौजवान से और जवान, रिवायत में है कि हैवान या कोई जानवर किसी शिकारी के जाल में शिकार हो जाता, जाल में उसी वक्त फंसता है जब वो तस्बीह परवरदिगार करना छोड़ दे। हैवान जब जिक्र परवरदिगार करना छोड़ देता है, कोई जानवर जिक्र खुदाबंदी छोड़ देता है, तो वो क्या है, शिकारी के जाल में फंस जाता है, वो गिरफ्तार हो जाता है, शिकार हो जाता है। खूब तवज्जो दीजिएगा इस जुमले के ऊपर कि जानवर उसी वक्त शिकार होता है शिकारी के जाल में, उसके फंदे में उसी वक्त आता है कि जब वो जिक्र परवरदिगार से रूगर्दा निकल लेता है, छोड़ देता है जिक्र परवरदिगार, भुला देता है खुदा के जिक्र को, खुदा की तस्बीह को कुछ देर के लिए मौकूफ कर देता है, कुछ देर के लिए तस्बीह छोड़ देता है, तो क्या है वो फौरन शिकारी उसके ऊपर जाल डालता है, वो फंस जाता है, शिकारी के जाल में कैद हो जाता है, उसके फंदे में आ जाता है। अब नौजवान और जवान हमारे ज्यादा मुखातब हैं, वही सबसे के जब भी कोई हैवान किसी शिकारी के जाल में फंसता है, उसका शिकार होता है, तो उसके साथ क्या बर्ताव होता है, उस जानवर के साथ क्या बर्ताव होता है, वही होता है जो शिकारी चाह रहा होता है। और शिकार का हश्र क्या होता है, शिकार का हश्र यह होता है कि वो बेचारा बेअख्तियार हो जाता है। बड़ा मसलन जो है वो हिम्मत वाला, बड़ी ताकत वाला और जो वो बड़ा हैकल जानवर था, है ना, दरिंदा था, लोग उससे खौफजदा होते थे, जो भी था, जैसा भी था, जब तक वो कैद नहीं हुआ था, दामे सयाद में नहीं आया था, शिकारी के जाल में नहीं आया था, शिकारी के फंदे में नहीं आया था, जब तक वो मसलन शिकारी का शिकार नहीं हुआ था, तब तक वो क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा ताकतवर था, बहुत बड़ी हिम्मत वाला था, और दहाड़ने वाला था, चिंगाड़ने वाला था, और बड़ी जो है वो उसकी मसलन दहशत थी, बड़ा खौफ था लोगों के ऊपर। लेकिन जब शिकारी के जाल में फंस गया, कैद हो गया, तो अब चाहे जितना ताकतवर हो लेकिन बेअख्तियार हो गया है, उसकी ताकत किसी काम की नहीं रही, उसकी कुदरत किसी काम की नहीं रही, अब वो वही करेगा जो उसका शिकारी करवाना चाहेगा, अब वही करेगा जो उसे शिकार कर चुका है, जिसके फंदे में, जिसके जाल में है, अब वो जो चाहेगा वो करवाएगा उससे, अब उसे करना पड़ता है, वो उसे चाहेगा तो बांध देगा, उसे चाहेगा तो जो है वो बंद कर देगा, उसे चाहेगा तो मसलन जो है बैठा देगा, वो उसे चाहेगा तो मसलन जो है वो लिटा देगा, है ना, वो उसे चाहेगा तो मारेगा, वो उसे चाहेगा पीटेगा, वो उसे चाहेगा जो है वो भूखा रखेगा, वो उसे चाहेगा मसलन जो है वो कुछ सूखा और जो कुछ खराब चीजें वो दे देगा, मसलन जो चाहेगा करेगा, क्योंकि अब अख्तियार जो है वो क्या है, उस जानवर का नहीं है, अब अख्तियार जो है उस शिकारी का है कि जिसने उसे शिकार कर लिया है। लिहाजा हम भी हमेशा दाएमन मुस्तकिलन अल्लाह का
है वो क्या है, जिक्र करते रहें, उसकी बारगाह में उसकी तस्बीह करते रहें, उसकी इबादत करते रहें। ऐसा ना हो कि हम जिक्र इलाही को मौकूफ़ करें और हमारा सबसे बड़ा शिकारी जिसे शैतान कहा जाता है वो जाल फेंके और हम उसके शिकार हो जाएं। याद रखें, जैसे ही, इसलिए कि जिस तरह से हैवान को शिकार करने के लिए जाल डालने के लिए शिकारी ताक में रहता है, वैसे ही जो है वो इंसान को शिकार करने, उस पर जाल डालने के लिए शैतान भी क्या है, हमेशा ताक में रहता है। उधर हैवान से जिस तरह से जो है वो चश्मे ज़दन भर की भी गलती हुई, उसने फ़ौरन जो है वो जाल डाला, उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे अपना कैदी और अपना असीर बना लिया। इसी तरह से इंसान भी अगर ज़र्रा बराबर भी गाफिल हुआ है अल्लाह की याद से और याद खुदाबंदी से, तो यकीन करिए कि शैतान जो है वो क्या है, जाल लिए हुए खड़ा हुआ है। जैसे ही गाफिल हुआ इंसान, उसने शैतान ने जो है वो जाल डाली और फ़ौरन जो है वो उसको उसने अपना असीर बना लिया, अपना कैदी बना लिया। तो फिर अब इंसान जैसे ही जो है वो शैतान का कैदी हुआ, शैतान का असीर हुआ, शैतान के जाल में फंसा नहीं कि उसका अख्तियार क्या है, खत्म हो गया। जो भी अख्तियार थे शैतान को, सब के सब क्या है, धरे के धरे रह जाएंगे। चाहे जितना बड़ा इंसान हो, चाहे जितना ताकतवर इंसान हो, चाहे जितना जो है वो सोर्सफुल इंसान हो, चाहे जितना जो है वो क्या है धमक वाला हो, चाहे जितना दहशत फैलाने वाला हो, चाहे जितना जो है वो पैसे वाला हो, चाहे जितनी दौलत वाला हो, चाहे जितनी शोहरत वाला हो, चाहे जो है वो जैसा कवि है कल हो, चाहे जितना जो है वो बाअसर हो, है ना, चाहे जितना जो है वो मसलन 30 मार हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। शैतान के जाल में आने के बाद सब के सब जो है वो क्या है, सारे अख्तियार इंसान के धरे रह जाएंगे। फिर क्या होने वाला है, फिर वही होगा जो शैतान चाहेगा। शैतान जिस तरह चाहेगा उस तरह से क्या है, इंसान को अपने इशारे पर नचाएगा। वो कहेगा बैठ जाओ तो इंसान को बैठना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी कैद में जा चुका है। वो कहेगा खड़े रहो तो इंसान को खड़े रहना पड़ेगा। वो कहेगा सो जाओ नमाज के वक्त तो सोना पड़ेगा। वो कहेगा रोज़ा छोड़ दो तो रोज़ा छोड़ना पड़ेगा। वो कहेगा कि मसलन खुराफात फैलाओ तो खुराफात फैलाएगा। वो कहेगा मसलन जो है वो ये गुनाह करो, उसे करना पड़ेगा। वो कहे वो बुराई करो, वो करना पड़ेगा। जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा। कहते हैं ना, शैतान मारता नहीं, हलाकान करता है। तो मौत तो उसके हाथ में है नहीं शैतान के, मगर जो क्या है, परेशान करना है उसके हाथ में। वो परेशान करेगा इंसान को। जैसे याद खुदा से गाफिल हुआ इंसान, शैतान जाल डालेगा और क्या करेगा, वो उसे अपने कब्जे में करके उसके सारे अख्तियार को सल्ब कर लेगा। फिर हजरत इंसान को किसकी माननी पड़ेगी, शैतान की। जो वो चाहेगा वो करवाएगा और जैसे चाहेगा वो रखेगा, और इंसान को वो करना पड़ेगा जो शैतान चाहेगा, और इंसान को वो सहना पड़ेगा जो शैतान उसके साथ करेगा। दो रास्ते हैं। पहला ये कि अल्लाह की तस्बीह करता रहे इंसान, अल्लाह का जिक्र करता रहे, अल्लाह की इबादत करता रहे, ताकि क्या है, अल्लाह की अमान में रहे, अल्लाह की पनाह में रहे। अल्लाह की पनाह में रहने का मतलब क्या है, आसानियाँ आसानियाँ, इसका अख्तियार भी बरकरार है, इंसान की कुदरत तो ताकत भी बरकरार रहेगी, इंसान का कमाल भी बचा रहेगा, इंसान की आबरू भी महफूज रहेगी, इंसान का अख्तियार भी महफूज रहेगा। लेकिन जैसी जो है वो अल्लाह की अतात और नाफरमानी और जिक्र से रूगरदानी की, इनहराफ किया, फौरन क्या है शैतान के जाल में फंस जाएगा, तो इंसान क्या बेख्तियार हो जाएगा। दुआ करें महबूब से कि हरगिज ऐसा ना हो। आखिरी जुमला, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेतौफीका या हादियल मुज़ल्लीन, ये सब के सब मेरे माबूद, ये सारी दुआएं तेरी तौफीक के वसीले से पूरी होनी चाहिए। अगर अल्लाह की तौफीक ना हो तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। ज्यादा आखिरी जुमला इस दुआ का आज है, इमाम फरमाते हैं बेतौफीक का या हादियल मुज़िल्लीन, माबूद ये सब के सब तेरी तौफीक की बना पर, माबूद तेरी तौफीक की बुनियाद पर होनी चाहिए।
या हादी अल मुजल्लीन, वो कि जो गुमराह लोगों की, जिन्होंने अपनी राह को खो दिया है, जिन्होंने अपने रास्ते को भुला दिया है, जिन्होंने सरात मुस्तकीम से इनहराफ किया है, उनकी भी हिदायत करने वाला है तू। गुमराहों की हिदायत करने वाले परवरदिगार क्या है? तेरी तौफीक के जरिए से हमारी ये सारी दुआएं कबूल हों। आइए अल्लाह की बारगाह में अपने अल्फाज में भी दुआ करते हैं, माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारी इस सही और कोशिश को कबूल फरमा, जौनपुर अज़ा की पूरी टीम को मेरे अल्लाह हर बला और मुसीबत से महफूज फरमा, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, उन्हें दीन की तबलीग और नशर व इशाअत की मज़ीद तौफीक इनायत फरमा, और उससे भी ज़्यादा दिल की गहराइयों से यह दुआ है महबूब, जो लोग हर रोज़ आ करके तेरी बातें, तेरे रसूल की बातें, तेरे मुकर्रब औलिया की बातें सुनते हैं, वक्त देते हैं, या इस वक्त जो लोग सुन, कबूलियत इनायत फरमा, अतबात आलियात को, रोज़ात मुक़दसात को महफूज फरमा, उलमा आला मराज कराम की मुहाफ़त फरमा। महबूद हमारी दीदीना दुआ है, कल्बी दुआ है, रवाई दुआ है, हमेशा की दुआ है। महबूद हमारे ज़माने के इमाम, हमारे साहब वली नेमत, हमारे मौला और आका हजरत हुज्जत अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ के ज़हूर में ताजिल फरमा, और हम सबको उनके मुखलिस सिपाहियों में शुमार फरमा। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदि व आलि मुहम्मदि व अज्जिल फरजहुम। व सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।